अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सागर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की सहायता से शव बाहर निकाला गया। मृतक सतीश कुमार जाति खत्री उम्र 53 वर्ष मुंशी बाजार अलवर का रहने वाला था, जो 16 तारीख से लापता था। उसके भाई बसंत कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा भाई 16 तारीख से लापता है और अभी तक घर नहीं पहुंचा। गत रात को सूचना मिली थी कि सागर में किसी व्यक्ति की लाश तैरती हुई नजर आई। उस पर कोतवाली पुलिस थाना को सूचना दी गई। कोतवाली थाना के ASI बनवारी लाल मौके पर पहुंचे और बॉडी को कब्जे में लिया। बॉडी को सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां उसकी शिनाख्त सतीश कुमार के रूप में हुई। ASI बनवारी लाल ने बताया कि सतीश कुमार खत्री ने करीब 4 माह पूर्व गारमेंट्स की दुकान खोली थी, जिसमें कोई भी सामान नहीं बिका। इसके चलते तनाव में आ गया था और सागर में छलांग लगा दी। बसंत कुमार रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा भाई सतीश कुमार अनोख सूरज भान उम्र 53 साल निवासी मुंशी बाजार अलवर, जो राउंड नंबर 2 दुकान से बिना बताए लापता है। इस पर गुमशुदगी थाने पर दर्ज की गई तथा रात को 10-11 बजे सूचना मिली कि सतीश कुमार की चप्पल वगैरह सागर पर पड़ी है, जिस पर पुलिस व फायर ब्रिगेड वगैरह पहुँच कर गुलाई वगैरह डालकर घास निकाल की गई, तो मृतक सतीश कुमार मकसूद पान की घास सागर में पानी में डूबने से मृत हो गई है। क्या काम किया, क्या उम्र थी? उम्र 53 साल थी। रेडीमेड की दुकान करता था, गारमेंट्स की दुकान खोली थी, लेकिन इसकी कोई दुकान चली नहीं, उसके तनाव में था। मेरे जो है घर वालों को क्या कहना है? घर वालों का अन्य कोई शक्ति पर नहीं है, तो खाली तनाव कारणों का भी कोई पता नहीं। और पोस्टमार्टम पंचनामा कराया गया है, कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने मामले दर्ज कर आगे जांच शुरू कर दी है।